तो कैसे हैं आप लोग? ठीक है। बहुत टाइम से दिख ही रहा होगा आपको कि आजकल कैसा रायता फैल रहा है। अब फेसबुक चलाना तो मैंने बंद नहीं कर दी, जब से ऐसा रायता फैला ना रील्स में, तो मैं रील्स से कितना मतलब इतना सर पट रहा है, इतना सर पट रहा है कि फट भी नहीं रहा इनके कारण। ऐसे रील बना रहे हैं, ऐसे ही रील बना रहे हैं। होली है, दीपावली है, क्या क्या है, रक्षाबंधन है, भैया दूज, तो बहुत तेज हो रहे हो। तो अभी हम बात करेंगे सोशल मीडिया की, लेकिन जो ना ऐसी रील्स बनाना है कि मैं नाचू मैं गाऊ, रील्स का कोई मतलब होता है गाइस? चलो खाने की रील हो तो मान लिया, खाया है तो खाना तो सभी खाते हैं, लेकिन नाचते सब थोड़ी नहीं यार, नाचते भी नाचना तो एक मतलब नाचने की कला होती है। अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम। ऐसा नहीं कि कुछ भी डांस कर दो ऐसे, यार ये नेटवर्क वाले बहुत तेज हो रहे हैं, नेट भी चल रहा है, मैं आपको कैसे दिखाऊं, कैसे आपको पता चलेगा कि क्या है ये सोशल मीडिया गाइस? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? छोड़ो यार, इसके बिना तो बहुत कुछ कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि ऐसे फोन टैबलेट पकड़ के ही सोशल मीडिया को रोस्ट कर सकते हैं, हम उसकी सच्चाई को एक्सपोज कर सकते हैं, हम हमसे भिड़ेगा झमेला मिलेगा। तो उससे अच्छी एक्सपोजिंग तो मुझे आती है, मैंने सीख रही है गाइस, मैं एक इंस्टाग्राम का फेमस रीलर हूँ। नहीं 100K प्लस व्यूज है मेरी वीडियो में, तो जल्दी से इस वीडियो को पहले लाइक करो। सारे इतना गर्म हो गया कि मुझे वैसे ही इतनी -1 डिग्री सेल्सियस की ठंड में ना गर्मी लग रही है। Boy. तो यही कारण है गाइस, यही कारण है कि आजकल के लोग इतने आगे बढ़े, इतने तेजस्वी हो गए कि लोग बेरोजगार हो गए। इतनी पढ़ाई करो, 10 साल पढ़ाई करो, 20 साल पढ़ाई करो, क्या मिला उस पढ़ाई करके? सत्तर हजार तो गाइस आजकल के मोमो वाले कमा दे रहे हैं। कैसे कमा दे रहे हैं वो तो उनसे जाके पूछना। ये एक आदि योगी की मूर्ति लाया था मैं, आदि योगी का नाम जपने हैं, आदि योगी वीडियो भी बनाई थी मैंने आदि योगी लिए। क्या करना है यार, सोशल मीडिया ने मजाक बना के रख दिया यार, कुछ नहीं छोड़ा उन्होंने, कुछ नहीं छोड़ा। जिंदगी का मतलब ये नहीं है कि बस पढ़ाई करते रहो, जिसका जो मन है वो करो यार, कौन है बीच में आपको रोकने वाला? जो पढ़ने के लिए टेबल लैंप बनाया करता था ना मैं, आज रोस्ट करने के लिए बनाना पड़ रहा है मुझे, तो देखो कितनी आफत आ गई मुझ में। इससे आपको पता चल रहा होगा कि कैसी कैसी आफतें आती है। आर यू कॉमेडी मी? सच में यार आप ही बता दो कि जो लैंप है ना, मैं इसको स्टडी के लिए यूज करता हूँ, स्टडी तो पता आपको पता ही होगा, लेकिन क्या करें यार, ऐसे लोगों के कारण आज मुझे इसको रोस्ट करने के पर्पस यूज करना पड़ रहा है। नॉन वेजिटेरियन तो हूं नहीं मैं, लेकिन मेरी आवाज धीरे धीरे नॉन वेजिटेरियन हो रही है। किसके कारण? इन लोगों के कारण। मेरी आंखें भी खराब मत करो, वैसे भी बहुत नंबर बढ़ रहा है इसका, तो इन लोगों के कारण मेरी आंख में जो नसें होती हैं ड्राइनेस आ गई है। ड्राइनेस मतलब आपको पता ही होगा क्या होता है, ठीक है? जैसे ड्राई आपदानी आ जाती, डिजास्टर का नाम तो सुना ही होगा, तो डिजास्टर आपके आचार्य जी जो भी पढ़ाते होंगे ना, डिजास्टर की एक बुक होती थी, लेकिन अब क्या फर्स्ट एड किट का यूज किया है। फर्स्ट एड में कितनी चीजें होती है, पत्ती होती है, डेटॉल होता है, कैंची होती है, और क्या क्या होती है, ऐसे बोल के ना, ऐसे लोगों के कारण होता है। मैं आधे घंटे से बैठ रखा हूँ, वैसे आप भी देख सकते हो मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट है, चाहे तो फॉलो करो अच्छी रील्स देखने के लिए। ऐसी रील्स मत देखो कि बस ऐसे उड़ाते जाओ। और तो मिलते नए ब्लॉग में, अभी के लिए इतना ही खाना, भूख लग रही है मुझे, इतना बोल के इतनी एनर्जी आज जितनी दिन में पूरी वेस्ट निकली। मैंने मेरा पेपर दिया मैंने, और क्या मिला मुझे लास्ट में, ये रोस्टिंग रोस्ट करके तो मैं चने भी नहीं खाता। तो चलो अलविदा, मिलते हैं नए ब्लॉग में जल्दी से।